स्टूडेंट्स वेलकम इन मैथ्स लेसन. दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 2. इन प्रीवियस लेसन वी डिस्कस्ड अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2. राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. आपको पेयर लिखना है नेगेटिव इंटीजर्स का. वूज डिफरेंस गिव्स 8. पॉजिटिव 8 है ये. आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मिलना चाहिए पेयर ऑफ इंटीजर्स. पेयर ऑफ इंटीजर्स का मतलब आपको टू इंटीजर्स सेलेक्ट करने हैं. पेयर का मतलब टू. पेयर ऑफ शूज कहते हैं ना, टू होते हैं उसमें. तो पेयर ऑफ इंटीजर्स और वो भी नेगेटिव ले रहे हैं आपको. दोनों इंटीजर नेगेटिव होने चाहिए और उनका डिफरेंस जो है वो 8 आना चाहिए. क्वेश्चन दिखने में बिल्कुल सिंपल है लेकिन थोड़ा समझना है इसको कि आपको जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव पेयर लेना है. दोनों इंटीजर नेगेटिव होने चाहिए लेकिन उनको कैलकुलेट करें डिफरेंस को तो पॉजिटिव 8 मिलना चाहिए. नेगेटिव 8 नहीं, पॉजिटिव. सारा जो आपका गेम है वो साइंस का है. साइन का मतलब प्लस और माइनस. जो साइन है ना, चिन्ह है, उन्हीं का ही गेम है पूरा ये इस वाले चैप्टर में. तो मन मर्जी से प्लस और माइनस अप्लाई नहीं करना है, रूल्स के अकॉर्डिंग करना है. तो वो रूल्स पहले तो यहां से चलेंगे. आप देखें, आपको ऐसे एक लेआउट तैयार करना है. इनमें इन दोनों इंटीजर्स जो अननोन है इनका आंसर 8 मिलना चाहिए और इनका डिफरेंस निकालना है. ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस वर्ड आ रहा है ना, उसका साइन ये है, ध्यान देना. और जो इंटीजर आपको चूज करने हैं ये पेयर है. फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर ये दोनों पेयर हैं. तो इन पेयर में भी आपको नेगेटिव इंटीजर लेने, ये नेगेटिव वर्ड है. तो यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस. अब आपको इतने सारे इंटीजर्स है 1, 2 माइनस के, -1, -2, -3, -4. अब आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहां ऐसे सेट करो कि इनका कैलकुलेशन ये मिल जाए. देखिए यहां मान लो -1 लिखते हैं तो आप यहां पर क्या लिखेंगे. देखें यहां 9 लिखना पड़ेगा. अब आप कहोगे -9 है लेकिन आप ध्यान रखो ये माइनस और माइनस आमने सामने जब टक्कर खाते हैं, ठीक है, ये इनटू का साइन है यहां. तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा. अगर कैलकुलेशन देखो -1 + 9 हो जाएगा और -1 + 9 साइंस के अकॉर्डिंग अगर इनको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है. प्लस का साइन बड़ा है, इनको माइनस करना है आपस में, माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. अपोजिट साइंस है, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन करना है और इफेक्टिव ये है, बड़ा नंबर ये है ना, मेजोरिटी इसकी है, ये बड़ा है, इफेक्ट इसका पड़ेगा आंसर में. तो आंसर देखिए पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव 8 मिलेगा आंसर. ये एक ऑप्शन था. आपको ये नहीं समझ में आया तो दूसरा ऑप्शन चूज कर लें, बहुत सारे आंसर मिलेंगे आपको. एक दो नहीं, चारों आंसर मिल सकते. एट यहां कितना लें, -9 यहां ले लेते हैं मान लो, तो वहां पर कितना भरना पड़ेगा सोचो. पॉजिटिव आंसर चाहिए. माइनस का जो 9 है ना, इसका इफेक्ट आपको हटाना पड़ेगा और यहां भी नेगेटिव इंटीजर भरना है. अब आपको यहां पर ऐसा नंबर भरना है जिनका डिफरेंस आपका 8 आ जाए. तो 9 के बाद में जो 8 डिफरेंस देने वाली नंबर है वो है 17. इन दोनों में 8 का डिफरेंस है. अब आप कहोगे कि मेरे को पॉजिटिव चाहिए था, आपने नेगेटिव लिया. तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो रहे हैं, इफेक्टिव साइन यही रहेगा पॉजिटिव. अभी तो दिख रहा है नेगेटिव, हमने इसकी जो टर्म थी ना वो तो पूरी करती है ना नेगेटिव,
राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिविटी, हमने पेयर तो नेगेटिव ही लिया है ना, अब उसने शर्त ऐसी दे रखी कि डिफरेंस करके निकालो पॉजिटिव एट तो पॉजिटिव एट आ रहा है। ये तो साइंस का जो गेम है पूरा, प्लस और माइनस का गेम है, माइनस नाइन प्लस सेवनटीन, माइनस नाइन प्लस सेवनटीन कितना मिलेगा, एट मिल जाएगा, वेरी सिंपल। और देखें कितना ले, बताओ माइनस फोर ले लें, चलो माइनस फोर ले लिए, कितना लेना पड़ेगा डिफरेंस नेगेटिव में, यहां ऐसी नंबर लेनी पड़ेगी जो इनका डिफरेंस एट आ जाए, वो है ट्वेल्व। आप समझ गए होंगे ये जैसे इनमें किया था माइनस माइनस प्लस, तो माइनस फोर प्लस ट्वेल्व, देखो पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव एट। ऐसे आप इनके आंसर और निकाल सकते, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, एक आपको नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, हाँ, और उनका जो आंसर आना चाहिए वो माइनस फाइव। कौन कौन से इंटीजर लेने, राइट एंड नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेने हैं, पहले नंबर का नेगेटिव और दूसरे नंबर का पॉजिटिव, और उनका सम, उनका डिफरेंस नहीं है, उनका सम माइनस फाइव। सम बीच में सम लगा दिया मैंने, देखो, और आंसर चाहिए माइनस फाइव, ठीक है बच्चों। पहला इंटीजर कैसा है, माइनस का, और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव प्लस का है, तो यहां साइन लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर चाहिए माइनस फाइव, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं यहां माइनस सिक्स, तो पॉजिटिव इंटीजर ये हो गया, देखिए वेरी सिंपल, पिछले वाले से ही सिंपल है क्योंकि बीच में सम है ना, डिफरेंस वाला तो फिर भी थोड़ा सा थिंकिंग पावर वाला होता है, पॉजिटिव साइन है बीच में तो बहुत सिंपल हो जाता है बस, माइनस फाइव चाहिए था आपको। और देखिए बता दू मैं ये क्वेश्चन, ये आपने उतार लिया होंगे, और देखिए लेआउट बना देता हूं, ये लेआउट है क्वेश्चन का, आंसर चाहिए माइनस फाइव, कितना ले, देखिए माइनस की नंबर ही लेनी पड़ेगी आपको यहां, माइनस एट प्लस थ्री, और माइनस टेन प्लस फाइव, माइनस टेन प्लस फाइव, माइनस का फाइव आ जाएगा, माइनस का जो नंबर है वो आपको थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा जिससे कि पॉजिटिव वाले का इफेक्ट कम हो जाए और माइनस का इफेक्ट लास्ट में रह जाए, माइनस का इफेक्टिव नंबर है आंसर। ऐसे आप बहुत सारे आंसर और भी बना सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मुझे नजर आ रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन, और आपकी होमवर्क मिल रहे हैं मुझे, और होमवर्क में आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आगे वाला जो इसका 1.3 पार्ट है एक्सरसाइज का, वो बहुत सिंपल है, इनटू का है, उसमें प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपको साइन रूल इनटू में ध्यान रखना है, इनटू में साइन रूल ये चलता है, माइनस दोनों साइड में आ जाते हैं तो पॉजिटिव साइन आंसर में आता है, ये इनटू का है ना, और एक साइन पॉजिटिव है इनटू में और एक साइन नेगेटिव है तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, फर्स्ट साइन इज नेगेटिव एंड अदर साइन इज पॉजिटिव देन योर आंसर विल बी नेगेटिव, इफ बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव देन योर आंसर विल बी इन पॉजिटिव साइन, वी विल मीट अगेन, टिल देन बाय।